सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में वैदिका सबके सामने जल्द ही अपने सारे गुनाह कबूल कर लेगी और बता देगी कि उसने नायरा को कोई किडनी दी ही नहीं थी। जी हाँ, और इस तरह से जल्द ही वैदिका के शो से एग्जिट हो जाएगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दादी वैदिका को कैसे इंसिस्ट करती है, कार्तिक को इस बात के लिए कहती है कि हमें वैदिका का चेकअप कराना चाहिए क्योंकि वो लोग हनीमून के लिए हिल स्टेशन पे जा रहे हैं। ऐसे में वैदिका का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसे अपनी किडनी दी है और ऐसे में बिना चेकअप कराए उसे दादी इतनी दूर नहीं भेजेंगे। वैदिका यहाँ घबरा तो जाती है, बहुत डर जाती है। वो दादी को मना भी करती है पर दादी तो मानने वाली नहीं है। उन्हें पता है कि वैदिका ने किडनी दी ही नहीं है, नायरा और दादी मिले हुए हैं और यहाँ पर दादी वैदिका को जबरदस्ती एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वैदिका वहाँ पर डॉक्टर दादी के सामने ये भी कहने की कोशिश करती है कि वो डॉक्टर पल्लवी के पास जाएगी, पर दादी यहाँ पर एक नई चाल खेलती हैं। वो कहती हैं डॉक्टर पल्लवी का क्लिनिक तो बहुत दूर है, यहाँ पास में दूसरा क्लिनिक है, हम चेकअप करा लेते हैं। जब दादी ये सारी बातें कर रही थी उस वक्त वैदिका ने अपना फ़ोन ऑन रखा था और उसने वो फ़ोन पल्लवी को लगाया था। पल्लवी दादी और वैदिका की सारी बातें सुन लेती है और उन्हें पता चल जाता है, डॉक्टर पल्लवी को ये पता चल जाता है कि वैदिका इस वक्त किस हॉस्पिटल में जाने वाली है क्योंकि उस एरिया में एक ही वो डॉक्टर है। यहाँ पर डॉक्टर पल्लवी उस डॉक्टर को फ़ोन कर देती हैं जहाँ दादी वैदिका को लेकर जा रही हैं और वो यहाँ पर जब चेकअप करती है तो वो बोल देती है इसकी तो एक ही किडनी है। दादी शॉक्ड हो जाती है, नायरा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि नायरा उमेश की बात सुन ली थी, उस इंसान की, वो उमेश वो इंसान जिसने नायरा को किडनी दी है, तो भला वैदिका की एक किडनी कैसे हो सकती है। यहाँ पे फिर से टेंशन में आ जाती है नायरा और दादी से बात करती है। दादी कहती है कुछ तो बड़ा राज है, वो तो हमसे भी एक कदम आगे चल रही है। नायरा यहाँ पे कहती है कि वो कार्तिक को सब बता देगी। दादी नायरा को समझाती हैं कार्तिक को बताने वाली बात नहीं है, बात है सबूत की, सच क्या है हमारे पास। और ये बात करते करते दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। वैदिका वॉशरूम में जाती है और यहाँ पर नायरा उसके सामने पहुँच जाती है। वैदिका को समझ में आ जाता है और वो सीधे कहती है मुझे पता है ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, आप जानबूझकर दादी को फोर्स कर रही हैं, आपको मुझ पर शक हो गया है। यहाँ पर वैदिका और नायरा की कन्वर्सेशन आपको बहुत सही लगेगी। वैदिका यहाँ पर लगातार इस बात को नायरा को दिखाएगी कि वो फैमिली उसकी है, कार्तिक उसका पति है, पर नायरा यहाँ उसे ये जताने का पूरी कोशिश करेगी कि कार्तिक तुम्हारा सिर्फ नाम का पति है, कार्तिक के दिलो दिमाग में मैं रहती हूँ, उस पूरे घर को सिर्फ मैं प्यार करती हूँ, वो पूरे घर वाले मुझे प्यार करते हैं, ना ही तुम्हें कार्तिक ने पहले कभी पत्नी का दर्जा दिया और ना ही वो आगे देगा। ऐसे में यहाँ बहुत सारी बातों के बाद नायरा यहाँ से चली जाती है और वैदिका तुरंत अपनी फ्रेंड यानी डॉक्टर पल्लवी को फ़ोन लगाती है। डॉक्टर पल्लवी उसे बताती हैं कि मैंने तुम्हारी और दादी की बातें सुन ली थी और मैंने वहाँ के डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था, उन्हें बोल दिया था कि वो ऐसा ऐसा ही कहेंगी। साथ ही डॉक्टर पल्लवी वैदिका के दिमाग में फिर से ये बात डालती है कि ये सब कुछ नायरा की वजह से हो रहा है। नायरा पूरे घर वालों के दिमाग में ये बातें डाल रही है, नायरा सभी के अंदर ये शक पैदा कर रही है। ऐसे में वैदिका बहुत घबरा जाती है और वो डिसीजन लेती है कि वो हनीमून पर भी नहीं जाएगी क्योंकि उसे पता है कि अगर वो कार्तिक के साथ हनीमून पर गई है तो इधर नायरा आकर पूरे घर वालों को और भड़काएगी, जो सब ऐसे में सब वैदिका के खिलाफ हो जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे वैदिका बाहर आएगी और तब तक वो कहेगी कि उसकी फ्लाइट मिस हो चुकी है और वो नहीं जाना चाहती, वो घर जाएगी। घर पहुंचकर वो सबका दिल जीतने की कोशिश करेगी। यहाँ पर वो ये कोशिश करेगी, उसे पता है कि कार्तिक की जान, कार्तिक का दिल पूरे परिवार में बसता है। ऐसे में उसे पता है कि अगर उसने परिवार का दिल जीत लिया तो कार्तिक का दिल जीतना बहुत छोटी बात है। वो पूरे परिवार वालों के साथ बहुत अच्छा बनने का नाटक करेगी सबको। फिर आप देखेंगे कि मकर संक्रांति का दिन आएगा, सब लोग बहुत तैयार होंगे, बहुत अच्छे से खुश होंगे, पतंग उड़ाएंगे और वहीं वैदिका सबको लड्डू, तिल के लड्डू दे रही होगी, ये दिखाने की कोशिश कर रही होगी कि वो पूरे घर का कितना ख्याल रखती है। सब लोग इस बात को समझेंगे, खासकर दादी। यहाँ पे आप देखेंगे नायरा आएगी और नायरा कार्तिक एक दूसरे के गले मिलेंगे। नायरा यहाँ पर अब अपने आप को रोक नहीं पाएगी और वो कार्तिक को सारा सच बता देगी। वहीं दूसरी तरफ नायरा का भाई नैतिक उस बंदे को ढूंढने निकल चुका है, उमेश को, जिसको डॉक्टर पल्लवी ने शहर से बाहर भेज दिया है। जी हाँ, डॉक्टर पल्लवी ने उमेश को बाहर भेज दिया है कि कहीं उमेश नायरा के हाथों लग गया तो वैदिका की बसी बसाई जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये जो प्लान था, ये जो किडनी का गेम खेला गया है, वो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। ऐसे में नक्श निकल पड़ता है उस बंदे को ढूंढने क्योंकि वो बंदा ही आकर सब कुछ सच बताएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे उमेश जल्द ही आएगा गुनेका फैमिली के सामने और सबको सच बता देगा, डॉक्टर पल्लवी और वैदिका का।
यहाँ पर नायरा कार्तिक को सारा सच बताती है और कार्तिक के होश उड़ जाते हैं। वो पहले तो नायरा पर चिल्लाता है कि उसने ये सच उसे बताया क्यों नहीं। नायरा यहाँ पर कहती है उसके पास कोई सबूत नहीं था, पर जल्द ही सबूत आ जाएगा। और कार्तिक बहुत भड़क जाता है। ये सारी सिचुएशन होने के बाद, वो बंदा उमेश भी आने के बाद, वैदिका सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लेगी और यहाँ से वैदिका कार्तिक और नायरा की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। और एक बार फिर से हमें कार्तिक, नायरा और कैरो की हैप्पी फैमिली देखने को मिलेगी। तो जल्द ही इस शो में आपके कार्तिक और नायरा एक होने वाले हैं, बस कीजिए थोड़ा इंतज़ार। इस शो से जुड़ी सारी अपडेट्स, सारे ट्विस्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।